Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. और आज है IPL का मैच नंबर 10 जो कि खेला जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में. There is RCB versus KKR. KKR means रिंकू सिंह. और मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या सोच के RCB के मैनेजमेंट ने यश दयाल को अपने बोलिंग स्क्वाड में इंक्लूड किया. आई मीन हम सब वो मैच आई एम श्योर जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है वो ये नहीं भूला होगा जो पिछले IPL में हुआ था रिंकू सिंह वर्सेस यश दयाल, जहाँ पे 5 छक्के लगातार रिंकू सिंह का वो क्लच वाओ, जिसके बाद में उस एक मैच की वजह से रिंकू सिंह का करियर, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी तक IPL में 9 मैचेस जो हैं वो होम साइड की टीम ने जीते हैं. कंसिडरिंग दैट मुझे ये लगता है कि RCB बहुत वीक है. Considering the form on paper also KKR की batting strength amazing, क्योंकि नीचे तक मतलब रिंकू सिंह एंड आंद्रे रसल 5th or 6th नंबर पे deadly एंड इवन द कॉन्फिडेंस. मुझे लगता है कि RCB की बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर अगर हम बराबर बोल भी दें मगर फॉर्म और कॉन्फिडेंस में KKR is quite ahead, but you never underestimate Virat Kohli. जिस साइड में विराट कोहली होते हैं उस साइड में you can never let that team down because that boy is insane. वो अकेले अपने दम पे जिता सकते हैं और आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है उनके करियर का, बीट इंटरनेशनल क्रिकेट इंडियन टीम में चाहे IPL में, सिंगल हैंडेडली बॉस बहुत बार टीम की नैया पार कर रही है. और आई डोंट नो इस साल कप नम देगा या नहीं, बट टुनाइट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ नाइट फॉर द रेड आर्मी. लेट्स होप, लेट्स सी हमारे चीकू भैया और जीजी भैया आज फिर से एक ही ग्राउंड में. पिछले साल जो LSG और RCB के बीच में जो ई लफड़ा इतना बड़ा तो चल रहा था, आप लोग को क्या लगता है इस बार वो होगा? वैसे होना तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं पसंद कि हमारे दोनों इंडिया के लेजेंड्स IPL में दुनिया के सामने इस तरीके से, जो भी पिछले साल हुआ मुझे पर्सनली नहीं पसंद. बाकी देखते हैं. थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग लव, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच, बाय बाय.